लग गई है नेक्सॉन की और बहुत अच्छी लग रही है ग्रिल। तो गाइस फाइनली अब मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ, इसका साउंड सुन के देखो कैसा है। तो भाई आप लोगों में से काफी लोगों ने कमेंट करते कि हमें नेक्सॉन की वीडियो चाहिए, नेक्सॉन की वीडियो चाहिए। भाई नेक्सॉन की वीडियो कब बनाओगे, नेक्सॉन पे बेस्ड ट्यूब, नेक्सॉन नेक्सॉन। बट आज फाइनली मैंने नेक्सॉन की वीडियो बनाने की सोच ली क्योंकि यार आप लोग ने डिमांड करी थी और आप लोग के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आज फाइनली नेक्सॉन जो आई है अपनी राजस्थान से आई है। हमारी वीडियो उन्होंने कोई क्रेटा वगैरह की देखी होगी तो आज वो जेऑटो पे है। तो मैं अपनी गाड़ी का भी काम कराने आया था तो आज कोइंसिडेंसली भाई मिल गए, तो आज नेक्सॉन की वीडियो बना रहे हैं। भाई ऐसे ही होता है। तो अब आज देखते हैं क्या क्या हो रहा है नेक्सॉन में। बहुत सारा काम हो रहा है, बेस ट्यूब लग रही है, जितना भी काम आप लोगों ने बोलता ना सारा कवर कर रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पूरी वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जिनके पास नेक्सॉन है। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल अभी जा रहा हूँ करोल बाग। अब गाड़ी में आज काम कराने का था मूड, आज लेंगे रिफ्लेक्टर और वेलकम प्लेट और आगे की ग्रिल चेंज कराने का मूड बन रहा है। तो अब मैंने जैसा बोला था कि i20 के रेगुलर व्लॉग्स आते रहेंगे, अब एलॉय भी लगेंगे। फिलहाल मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो जैसे आपने कम्युनिटी पोस्ट अगर मेरा देखा होगा तो भाई मेरी काफ़ी तबीयत खराब थी। तो आज फिर काम करा रहा हूँ। उसने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था रात को 2 बजे घूम रहे थे बाइक पर, ठंड लग गई थी तो बस उसी वजह से। बस अब आगे चलते हैं करोल बाग और देखते हैं क्या हो सकता है और क्या नहीं होने वाला। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। Bye bye. 1 hour later. तो ये है नेक्सॉन जो राजस्थान से आई है, टाटा नेक्सॉन। बहुत अच्छी गाड़ी है, i20 और स्विफ्ट के सेगमेंट की सबसे बेस्ट कार है। इसका आप इंटीरियर देख सकते हो बिल्कुल, और जो इसका जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है बिल्कुल ऑडी जैसा दे रखा है और इंटीरियर भी पूरा ऑडी जैसा है। और भाई इतने फीचर्स है इस गाड़ी में, फुल्ली लोडेड कार है और बहुत अच्छी गाड़ी है। नेक्सॉन का एक रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगा बाद में, वो बनाएंगे देखते हैं। भाई क्या काम कर रहे हो अभी आप? बेस्ट ट्यूब की वायरिंग। ये भाई ये फ्यूजन की वायरिंग है जो मैंने अपने i20 में डलवाई थी, और ये गाड़ी राजस्थान से आई है आप देख सकते हो। ये फ्यूजन की वायरिंग है, ये इसका जो बॉक्स आता है फ्यूजन बेस्ट रहती है अगर वायरिंग के मामले में देखे जाए तो। उसके अलावा अभी काम जस्ट स्टार्ट हुआ है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। ये नेक्सॉन की चाबी है कुछ ऐसी है, कितनी ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा है बहुत लग्जरी कार की चाबी है, साथ में मेरी i20 की चाबी है। तो दोनों का कंपेयर कर रहे थे बस, दिखा रहे थे आपको। तेज चल रही है डेली बस। इधर ये फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो रहा है, इधर ये बेस ट्यूब की वायरिंग चल रही है यहाँ पे, जैसे ये अंकल हमेशा करते हैं यहाँ के बेस्ट ये इलेक्ट्रिशियन अंकल यहाँ पे। और भाई आप क्या काम कर रहे हो? सीट खोल रहा हूँ। सीट खोल रहे हैं इधर से भाई, और अभी जस्ट काम स्टार्ट होने वाला है। बाकी ये नीचे की फ्लोरिंग है और ये फ्लोरिंग लगेगी, उसके अलावा बस अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है इसमें। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, स्किप मत करना वीडियो को बिल्कुल भी, बिकॉज हर पार्ट में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है की गाड़ी में कैसे होता है काम होता है। अगर आप अपनी नेक्सॉन का काम कराना चाहते हो तो ये फुल्ली डिटेल वाली वीडियो है, तो पूरी वीडियो देखनी है आपको। तो गाइज अभी फिलहाल फ्लोरिंग का काम चल रहा है, अभी फिलहाल फ्लोरिंग का काम चल रहा है। इस तरीके से होती है फ्लोरिंग, तो कितनी फिनिशिंग से भाई काम कर रहे हैं अपने। और भाई बताओ कि फिर इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा इससे ये कार्पेट पानी वानी गिर गया तो बदबू मारता है। हाँ इस पर गिर जाए तो गीला कपड़ा साफ हो जाएगा, गीले कपड़े से साफ हो जाएगा बस। अच्छा, और बस अभी फिलहाल इतना ही हो रहा है, बाकी सीट कवर चढ़ेंगे इसमें और अभी देखो क्या क्या होता है आगे। तो गाइस इसमें एल्पाइन का 4 चैनल का एम्प लग रहा है इसमें, और ये वायरिंग हो चुकी है। तो बस अभी सारा काम इसमें चल ही रहा है फिलहाल, और बस अभी फिलहाल ये स्पीकर भी डल रहे हैं इसमें? नहीं स्पीकर नहीं डल रहे, कंपनी के ही रहेंगे। तो अभी देखो अभी फिलहाल, और काम काफ़ी आज काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हो रहा है काम, तो आज इतने सारे लोग लगे पड़े हैं आज काम करने में। तो भाई आज सही, आज स्पीड बहुत तेज़ है। लग गई दोनों राइवल साथ साथ में, नेक्सॉन i20। अब इनका कंपैरिजन भी होगा, एक बार बनाएंगे वीडियो जिसमें नेक्सॉन और i20 दोनों भगा कर दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी जो इनकी बेस ट्यूब है वो आ गई है, ये है रॉकफोर्ड की 1200 वॉट की बेस ट्यूब, 1400 है भाई, 1400 वॉट की है और बहुत बढ़िया बेस ट्यूब है। अभी इसकी फिटिंग चल रही है, जब फिट हो जाएगी फिर आपको दिखाते हैं कैसा साउंड आएगा और क्या रहेगा। अपनी गाड़ी से भी कंपेयर करेंगे बिकॉज हमारी में भी लगा पड़ा है और इसमें लगने वाला है, तो साउंड का कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं, क्यों भाई? हाँ जी। तो आज करके दिखाएंगे, वीडियो बहुत जहर होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कैसे लाइक कैसे करते हैं? ऐसे हाँ भाई, ये नेक्सॉन की ग्रिल है, जो ये वाली ग्रिल, ये कंपनी वाली हटा के ये वाली ग्रिल लगने वाली है। अभी जब लग जाएगी तो इसका भी लुक आप देख लेना कैसा आएगा। और बाकी ये लोग लाइटिंग का कुछ काम खास करा नहीं रहे,
बाकी थोड़ा बहुत ही काम हो रहा है, जब होएगा तो पूरा आपको देखने को मिल जाएगा क्या क्या हो जाएगा इसके अंदर, और कार का लुक कैसा आएगा, साउंड कैसा होगा, इसके साथ कंपेयर भी कर देंगे साउंड दोनों का, तो पूरी वीडियो देखना, लाइक कर देना। ये सीट की फिनिशिंग कुछ ऐसी आई है, अभी एक सीट चढ़ चुकी है, बाकी अभी बाकी की सीट बची है, तो देख लो ये बकेट फिट है। तो ये बकेट फिट है, बहुत कंफर्टेबल होती है, जैसे मैंने आपको बताया था असली जो बैठने का जो मजा है जर्नी का वो बकेट फिट में ही है, और बकेट फिट बहुत अच्छी आती है, तो इसकी फिनिशिंग देख लो। बाकी चाय आ गई है, चाय पी। तो आज फिर हम जोटो पे आए और ये रिफ्लेक्टर लगवा रहे हो अपने i20 पे, और इसमें रिवर्स भी है, और ये आपका वही लैम्बोर्गिनी स्टाइल का है जो ये एरो वाला स्टाइल है, जैसे अपना पीछे का डोर के ऊपर रहता है उसी स्टाइल करता है, जब लग जाएगा आपको फिटिंग करवा के दिखा देंगे, और साथ में दो चार चीजें और लग रही हैं, तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। तो अपना ये अपना भाई डालेगा इसमें, तो देखो आगे कैसे रहता है काम। गाइस ये नेक्सॉन का ओरिजिनल डोर वाइजर है, ये डोर वाइजर लगा रहा है अपना भाई, और डोर वाइजर की फिटिंग चल रही है। अब टोटल जब कार पूरी रेडी हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी फिलहाल बारिश स्टार्ट हो गई है भाई साहब, दिल्ली में ठंड और बढ़ने वाली है, और काम चल रहा है, सॉरी भाई। तो इसमें ये ग्रिल लग गई है नेक्सॉन की, और बहुत अच्छी लग रही है ग्रिल। तो ये अपने भाई है राजस्थान से, सो अब इसका काम पूरा हो चुका है, जैसे ये नीचे एटमॉस्फेयर लाइट्स लग गई हैं, इसमें एटमॉस्फेयर लाइट जो है बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज इससे लगता है कि हाँ लग्जरी कार है, जैसे एम्बिएंट लाइटिंग होती है मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में, बिल्कुल एग्जैक्ट उस टाइम का रहता है। और जैसे ये आप इसका मल्टीमीडिया स्क्रीन देख सकते हो, बिल्कुल ऑडी जैसा लग रहा है, और उसके इंटीरियर पूरा जो है ना, मेरे को तो पूरा ऑडी जैसा लग रहा है, आपको भी लग रहा है तो मेरे को कमेंट करके बता देना। बाकी नेक्सॉन ये i20 स्विफ्ट और इसके सेगमेंट की उन सब में मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज मेरे पास खुद की i20 है वो खड़ी राइट में, उससे ज़्यादा बेटर मेरे को ये कार लगी। बट अब टाटा है, काफ़ी लोग ट्रस्ट करें ना करें, बिकॉज इंडियन ब्रांड है, बाकी बहुत अच्छी कार है यार मेरे हिसाब से। अभी देखो इधर से ये बटन हमने प्रेस कर दिया, ये देखो उसमें कितना सही इन्होंने ग्राफिक्स दिए हुए, बिकॉज ये कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से ये स्क्रीन आप देख सकते हो बिल्कुल ऑडी जैसी है, टच स्क्रीन दे रखा है इसमें, और बहुत अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा बाकी सीट कवर आप देख सकते हो, सीट कवर की फिटिंग कितनी सही लग रही है, ये बकेट फिट सीट कवर्स लगाए इसके अंदर, और नीचे आपकी ये 7D मैटिंग लगी है आपकी, और 7D मैट के फीचर्स तो आपको पते होंगे, जैसे ये पूरा खुल के बाहर आ जाता है और पूरा साफ हो जाता है। उसके अलावा इसमें लगी है बेस ट्यूब और एम्प वगैरह सब कुछ लगा है। तो अब आपको एक बार मैं साउंड का डेमो दे देता हूँ कि साउंड कैसा लग रहा है इसके अंदर। बाकी फिलहाल कार जो है बहुत अच्छी है और काफ़ी स्पेशियस है, लगती है आपको ऐसी है जैसे कोई SUV कार है मिड रेंज की, और ये आर्म रेस्ट है इसका, इधर से देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है गाड़ी के अंदर इधर से, और इधर ये आपका होंडा सिविक की तरह जैसे होता है, इसमें यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हो, तो काफ़ी स्पेस है, तो इधर भी LED और बहुत अच्छी चीज़ है। ये पीछे की 7D मैटिंग है जो, और ये भी नीचे की लाइटिंग है, बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी की, और इसके अंदर ये भी दे रखा है इन्होंने आर्मरेस्ट बैक के अंदर गाड़ी के, और ये बहुत अच्छा लगता है, और ये i20 में नहीं है बट इसमें दे रखा है तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस फाइनली अब मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ, इसका साउंड सुन के देखो कैसा है, तो अभी साउंड प्ले कर देते हैं हम। यार साउंड तो बहुत अच्छा है यार, काफी अच्छा है, बिकॉज रॉकफोर्ड की जो बेस ट्यूब है बहुत अच्छी है, और साउंड तो बहुत मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। आपको कैसे लगा मेरे को कमेंट करके बताना, और आप अपनी नेक्स्ट साउंड में कराना चाहोगे तो मेरे को वो भी कमेंट करके बताना। उसके अलावा बाकी आपको मैंने सीट कवर्स दिखा दिए हैं और सब कुछ दिखा दिया कि नेक्सॉन में किस तरीके की मॉडिफिकेशन हुई है और क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा नेक्सॉन की और भी वीडियोज आ जाएंगे अगर आप कमेंट करके मेरे को बताओगे, तो देखते हैं अब आगे और क्या होता है। तो फिलहाल बस इतना ही है, मैं आपको इसका प्राइस वगैरह बताया तो किस प्राइस में ये हुई है और क्या कैसे क्यों कब और तो जो कुछ भी, अब मैं आपको अंदर चल के शॉप में इसका रेट वगैरह बताया तो जैसा भी रहता है। तो अब चलते हैं आगे, भाई से बात करते हैं। तो ये भाई है राजस्थान से आए थे अपनी गाड़ी का काम कराने के लिए, स्पेशली दिल्ली आए थे अपनी गाड़ी का काम कराने के लिए। तो भाई बताओ आपको काम का क्वालिटी कैसी लगी और काम कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? काम बहुत बढ़िया लगा, काम बहुत बढ़िया रहा आपका। आपका वीडियो देखा था मैंने क्रेटा वाला। अच्छा थैंक यू भैया, इस दुकान के बारे में पता पड़ा। अच्छा तो भैया ने भी हमारा वीडियो देखा था, तो ऐसे आप लोग भी देखना। बाकी आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करोगे, उनके कुछ कहना चाहोगे? नहीं आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं। नहीं नहीं वीडियो नहीं, इस शॉप के बारे में। शॉप के बारे में मैंने बताया ना कि सब सामान अच्छा है और सब काम मेरा बहुत बढ़िया, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो लोगों को आप सजेस्ट करोगे आगे अपने दोस्तों को भी काम कराने, तो जोटो पे जरूर जरूर। तो बाकी अपनी शॉप पे बहुत अच्छा काम होता है, बाकी कार भाई की बहुत अच्छी लग रही है, और बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। अब आगे आप प्राइस वगैरह की बात करते हैं भाई से। तो गाइस आज अपनी i20 में हमने ये रिफ्लेक्टर लगवाए हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसके साथ गाड़ी में।
तो धीरे धीरे हम काम गाड़ी में करा रहा हूँ मैं अभी फिलहाल अभी इतना करा लिया और ये कितना अच्छा है जब रिवर्स लाइट जलती है तब ये यहाँ पे भी एक लाइट जल जाएगी और बस इतना ही है अभी i20 पूरी मॉडिफाई होगी यार इसकी सीरीज ब्लॉग आएंगे यार आपको पूरी वीडियो देखनी है। सो गाइस नेक्सॉन में अब आप पूछोगे कितने का काम हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ 25,000 से 30,000 रुपये में आपका इतना काम हो जाएगा गाड़ी में जो जितना भी कुछ हुआ है इस वीडियो में जितना आपने देखा 25,000 से 30,000 रुपये में आपकी पूरी गाड़ी का काम हो जाएगा। अब आप लोग के मन में एक सवाल आएगा कि मैं सिर्फ जे ऑटो पे वीडियो क्यों बनाता हूँ बिकॉज गाइस देखो मैं किसी भी शॉप पे जाके वीडियो बना सकता हूँ पर मैं इस दर क्यों बनाता हूँ क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि ये मोस्ट ट्रस्टेड शॉप है मैं अपनी खुद की गाड़ी यहाँ पे क्यों कराता हूँ इसका एक रीज़न है। देखो अगर कल को मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ आप लोग यहाँ पे आके आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ पूरी मार्केट सर्च कर लो बेस्ट काम आपको जे ऑटो पे ही मिलेगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा आपको विजिट करना है जितना काम कराना है जे ऑटो पे आओ नंबर से लिंक सब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपके काम में कोई भी दिक्कत है जो कुछ भी है भाई कमेंट सेक्शन है आप पूरा गालियों से भर देना अगर कोई गलत काम आपका यहाँ पर होगा बाकी मेरी पूरी गारंटी आप जे ऑटो विजिट करो लिंक फोन नंबर सब डिस्क्रिप्शन में बस यहाँ पे विजिट करो तो मिलते हैं आगे।